गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सो वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। सो दिस टाइम वी आर मूविंग टूवर्ड्स न्यू प्लेस, रादर वी कैन से एक्सप्लोरिंग अ न्यू प्लेस। सो द प्लेस विल बी माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री विच इज नियरली 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम ऋषि विहार वेयर वी स्टे। सो वी विल बेसिकली ट्राई टू शो यू द प्लेस एंड ऑल्सो द रूट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जाने का टाइम में हम लोग लेंगे जो ऋषि विहार से ITPP का जो रोड है, जो लास्ट वीडियो में भी हम लोग दिखाए थे आपको, वही रोड। तो यहाँ से 3 किलोमीटर जाने का बाद रोड डिवाइड होता है, हम लोग वो भी आपको दिखा देंगे। तो आप लोग इंजॉय कीजिए हम लोगों का साथ ये जर्नी। लेट्स मीट अगेन। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी का जो रास्ता है वहां पर। आप लोगों को शायद पता होगा ग्राफिकेरा यूनिवर्सिटी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो उसी का ट्रैफिक सिग्नल पे हम लोग खड़े हैं, वी विल बी टेकिंग द लेफ्ट। तो इसके बाद सीधा हम लोगों को जाना पड़ेगा 3-3.5 किलोमीटर। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है अभी, ये रास्ता सीधा जाता है टिबेटन कॉलोनी। हम लोग टिबेटन कॉलोनी का जो गेट है वो प्रवेश किए, आप लोग देख पाए शायद। ये जो दो तरफ आप लोग दुकान देख रहे हो, ये दूसरा कोई वीडियो में आपको दिखाएंगे। ये जो रास्ता है ये पूरा टिबेटन कॉलोनी है। इसका दुकान का नाम भी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि ये जो नाम है दुकान का, ये सब मीनिंग शायद आप लोगों को क्या, मुझे भी पता नहीं है, बट इसका मीनिंग टिबेटन लैंग्वेज में कुछ ना कुछ ज़रूर है।
तो ये भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एक दिन, क्योंकि ये पूरा रास्ता भी एक्सप्लोरेबल है। तो इसका बाद मतलब यहाँ पर बहुत सारा मोमो का दुकान है, उसका बाद लफिंग बुल के नया फूड है उसका भी दुकान है, ये भी बाद में हम लोग वीडियो में दिखाएंगे आपको। तो यहाँ पर अंकल से हम लोग पूछ लिए एक बार कि ये रोड कहाँ पर जाता है, क्योंकि सीधा रोड चला गया तो आपको आप शायद ये माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री मिस कर देंगे। सो वी विल बी टेकिंग अ राइट आफ्टर सम टाइम। तो आफ्टर प्रॉपर डिरेक्शन हम लोगों को यहाँ से नियरली 2-3 मिनट्स में माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री दिख जाएगा। तो ये जो रास्ता आप सीधा देख रहे हो, ये सीधा जा रहा है जो टिबेटन ऑफिसर्स कॉलोनी है वहां पर, जो यहाँ से नियरली 1 किलोमीटर है। तो वी हैव टेकन द राइट एज यू कैन सी। तो ये है माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री का रोड, आप देख पा रहे हो लेफ्ट में 4 व्हीलर्स का पार्किंग है, पार्किंग तो नहीं बोल सकते आप, बट इट्स लाइक यू कैन कीप योर कार ऑन योर ओन रिस्क। सो सीधा आप देख पा रहे हो प्रॉपर पार्किंग एरिया भी किया हुआ है। ये लेफ्ट में शायद आपको एक बुद्ध स्टैचू दिखा, लेकिन वो बंद हो गया था बिकॉज द टाइमिंग इज मॉर्निंग 4 o'clock टू इवनिंग 6 o'clock एंड दिस वॉज 5:45। ओके, तो यहाँ पर गेट कीपर के पास आपको 20 रुपीज दे के बाइक का कूपन रखना पड़ेगा। ओके, ये जो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं ना यहाँ पर, दैट्स वर्थ वेटिंग एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद जो नज़ारा हम लोगों को दिखा या आप लोगों का भी दिखेगा आफ्टर सम टाइम, दैट्स रियली अमेजिंग। घर से इतना नज़दीक विद इन 6-7 किलोमीटर सिटी का सेंटर पे आपको एक मॉनेस्ट्री दिखेगा, क्योंकि मॉनेस्ट्री हम लोगों को ना अभी तक दिखा था पहाड़ की ऊंचाई पर या कोई भी हिल स्टेशन पे, लेकिन यहाँ पर शहर का बीच में इतना सुंदर मॉनेस्ट्री हम लोगों को इससे पहले कभी नहीं दिखा। यस, वी हैव विजिटेड फ्यू मॉनेस्ट्री अर्लियर एज वेल, जो दार्जिलिंग में कुछ था, कुछ तो हम लोग देखे थे लाभा लोले गाँव नॉर्थ बंगाल पे, बट ऑल दूस मॉनेस्ट्रीज क्या है पहाड़ के ऊपर है, लेकिन ये एक मॉनेस्ट्री हम लोगों को अभी दिखा या वी आर गोइंग टू विजिट इट, जो शहर का अंदर है। एंड यू नो एवरी डे एवरी पॉसिबल डे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होता है। सो दिस इज द 2-व्हीलर पार्किंग, दिस इज सेफ अकॉर्डिंग टू द अथॉरिटी, ये 7 बजे तक ओपन रहता है। सो नाउ we are just entering the monastery as you can see, so this is the beautiful place, you know, I mean silence and all over the monastery you can feel the peace. Okay, this is the main gate of the monastery, aap yahan se andar ja sakte hain, yahan se andar jane ka baad aapko kuch shayad board dikh raha hoga jahan par you can read the proper meaning of stupa, you can read what is called as peace. Okay, so all these things can be explored by you if you visit here, and moreover you can feel the peace, you can feel the eternal beauty of everyone, because that's what Buddhism called. So this thing actually, you know, this houses actually, these are the place for the monks जो यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद दिस इज द मेन मॉनेस्ट्री, ओके, जो आप लोग देख पा रहे हो शायद बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, कैमरा शायद उतना भी अच्छा काम नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, बट यस दिस इज ऑल अबाउट द ब्यूटी। लेफ्ट साइड में आपको अभी शायद देखा जहाँ पर आप शू कीप कर सकते हो अपना, और पर पेयर आपको 3 रुपया देना पड़ता है। तो दैट्स इट, आप देखो एक बार ये जो मेन मंदिर है या स्तूपा है, ये प्रवेश करने का 2 द्वार है एक्चुअली, हम लोग ऊपर से अभी प्रवेश किए, ये हम लोग पूछ लिए थे एक बार कि अंदर वीडियोग्राफी हो सकता है कि नहीं, एंड आफ्टर अ प्रॉपर परमिशन ओनली आई हैव टेकन दिस वीडियो। सो ये अंदर जो शांति था इसका, ये शायद आपको भी फील करना चाहिए। सो मैं यहाँ पर तो चुप रह रहा हूँ, आप काइंडली यहाँ पर आना बनता है। सो दैट्स व्हाट, जस्ट फील दिस पीस। तो
तो थोड़ी देर बाद आफ्टर वेटिंग फॉर 10-15 मिनट्स हियर हम लोग वहाँ से बाहर आए। तो बाहर आने के बाद ठीक उसका पीछे का साइड में यू कैन सी अ वेरी गुड रोड जो अंदर ही अंदर पूरा मॉनेस्ट्री को कवर करता है। यहाँ से अगर आप सीधा चले जाए तो आपको शायद एक बहुत बड़ा स्टैचू दिख रहा होगा यहाँ से ही। ये स्टैचू जो है ये भी एक मंदिर है, ये भी एक मॉनेस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन ये बंद हो गया था बिकॉज इट वॉज 6 बज गया था एक्चुअली, इट वॉज ऑलरेडी क्रॉस्ड 6। इसके बाद हम लोग कुछ स्तूपा और विजिट किए, लेकिन इसका कोई स्टोरी लिखा हुआ नहीं है, मेरे को भी पता नहीं है एक्चुअली कि ये स्तूपा का मीनिंग क्या था। तो मेरा वाइफ एक्चुअली वही सर्च कर रहा था गूगल पे कि ये स्तूपा का मीनिंग क्या है, लेकिन हम लोगों को मीनिंग मिला नहीं। तो बाद में हम लोग पूछे वहाँ से कोई मॉन्क से, तो उन्होंने बताया कि दलाई लामा जी यहाँ पर आए थे और 2007 तक उन्होंने ये वाला जो आप गाड़ी देख पा रहे हो मर्सिडीज का वो यूज़ किए थे। सो यही गाड़ी यहाँ पर रखा हुआ है, यू कैन सी द दलाई लामा जी का फोटो भी अंदर है। तो ये गाड़ी उनका ही है जब वो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश विजिट किए थे। तो यही मैं स्तूपा का बात कर रहा था जो बंद हो गया था। इफ़ यू वॉन्ट टू विजिट दिस प्लेस प्लीज़ विजिट इट बिफोर 2 or 3 o'clock, उस टाइम पे ये ओपन रहेगा, 6 बजे के बाद ये स्ट्रिक्टली बंद हो जाता है। ये कुछ मैंने नाइट का वीडियो डाला है, आप देखिए मतलब कितना अमेजिंग लगता है ना, इट्स वर्थ वॉचिंग। सो बाहर आने के बाद हम लोग वही फूड जो आपको मैं अभी बता रहा था थोड़ी देर पहले लफिंग वो टेस्ट किए। दिस इज द ऑथेंटिक टिबेटन फूड एक्चुअली जो सोयाबीन से बनता है। एक्चुअली उसका स्टफिंग आप बहुत किसी से बना सकते हो बट सोयाबीन से सबसे अच्छा लगता है अकॉर्डिंग टू द लेडी, जैसे उनका ही उन्होंने बताया था कि आप सोयाबीन स्टफिंग वाला टेस्ट करके देखिए, इट विल बी गुड। तो ये लफिंग एक्चुअली क्या है, एक फ्लोर से बनता है, एक आटा रहता है उसका स्पेशल, उन्होंने जो हम लोगों को बताया हम वही आपको बता रहे हैं, इट टेस्ट रियली गुड। तो यही था माइंड रोलिंग मॉनेस्ट्री, फिर मिलेंगे दूसरा कोई ब्लॉग में, थैंक यू।